आज गुरुवार को बीदरउत्तर से बीजेपी के उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर ने अपने प्रशंसकों और पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ भव्य रैली के साथ बीदर के तहसील कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर हैदराबाद तेलंगाना के बीजेपी से निलंबित नेता टी राजा सिंह भी उपस्थित रहे। ईश्वर सिंह ठाकुर ने गांधीगंज में स्थित बसवेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा आदि करके गांधीगंज से एक भव्य रैली के साथ निकले और ब्रह्मकुंडेश्वर सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, भगत सिंह चौक और अम्बेडकर सर्कल, शिवाजी चौक से होते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर ईश्वर सिंह ठाकुर ने सभी महात्माओं की मूर्तियों पर मालार्पण किया। इसके साथ बीजेपी बजरंग दल के सभी दिग्गज नेता और इनके अलावा रघुनाथ राव मलकापुरे, चंदू पाटिल, सोमशेखर पाटिल, शशि होसड़ी, शैलेंद्र बेलदाड़े और भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आमजन ने भाग लिया। चलती हुई रैली में संबोधित करते हुए टी राजा सिंह ने कहा कि वो और कई बार ईश्वर सिंह ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार के लिए बीदर आएंगे और कहा कि इस बार बीदर से कांग्रेस का सफाया होगा। अपना नामांकन दाखिल करके डीसी कार्यालय से बाहर निकलने के बाद रघुनाथ राव मलकापुरे, बीजेपी के सिटी अध्यक्ष शशि होसड़ी और ईश्वर सिंह ठाकुर ने मीडिया से बात की और कहा कि बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है बल्कि सबका मुकाबला बीजेपी से है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीजेपी कैसा मुकाबला करेगी सर इस बार रहीम खान का? वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, तो किस तरह आप क्या पॉलिसीज है आपकी इलेक्शन? गत तीन बार रहीम खान एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, लोगों को मालूम हो गया ये एड़ा है, लेकिन लोगों की एड़ा बना के वो पेड़ा खा रहे हैं, वो एड़ा नहीं है, लोगों को एड़ा बना रहा है। इस बार उनका एड़ा बना के पेड़ा खाने के दिन खत्म हो गए, लोग होशियार हो गए। अब देखो बीदर में हमारे कांग्रेस के एमएलए रहीम खान साहब, कर्नाटक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
अगर हमारे बीदर में भी हमारा नुमाइंदा होता, अगर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होता तो करोड़ों रुपयों का काम लाकर हमारे बीदर का डेवलपमेंट होता था। लेकिन एक तो हमारा रहीम खान साहब सबके साथ मीठे मीठे बात करते, सबके लोगों की शादी में जाके मीठा मीठा खाना खा लेते, लेकिन काम करने एमएलए क्या करना उनको, उनके बारे में तीन बार एमएलए तो बेचारे को कोई मालूम ही नहीं है। उनके बेवकूफ़ी की वजह से आज हमारा बीदर बहुत पीछे पड़ रहा है। मैं हमारे बीदर विधानसभा क्षेत्र के पूरे मतबंधुओं को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दो और तुम डेवलपमेंट आजमा के देखो। सर, बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, जगदीश शेट्टर कांग्रेस में आ गए, लक्ष्मण सोढ़िया के, इसकी वजह क्या है सर? बीजेपी के फिर उधर जा रहे हैं ना नेता? देखो, नमक खाने वाला हर आदमी को अपना अपना इच्छा रहता है। देखो, जगदीश शेट्टर साहब 6 बार एमएलए बने, लक्ष्मण सोदी साहब एमएलए को हार गए तो भी उनको हम डिप्टी सीएम बनाए, पार्टी की तरफ से तो कोई गलती नहीं हुआ। बीदर विधानसभा क्षेत्र इंदु नम अभ्यर्थी आगिरुवंत सतत 3 दशकगळ हिंदू होराटगारर अनेक समाज होराटगळल्लि भागवहिसि तम्म जीवनवन्न समाजक्कागि समर्पणे माडिरुवंत ओब्ब सामान्य कार्यकर्तनिगे भारतीय जनता पक्ष इवत्तु अभ्यर्थियागि माडिदे। बीदर्नल्लि नावु 100 ಕ್ಕೆ 100 ರಷ್ಟು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರಿನ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತದಾರರು ಹಣದಿಂದ ಬಿಳೋದಿಲ್ಲ। ಯಾರು ಹಣದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತ 13ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋರಿದ್ದೇವೆ। ಬೀದರಿನ ಮತದಾರರ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಬರುವಂಥ ನಾಳೆ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಒಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ನಾಳೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ। ಬೀದರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೋಡ್ ಶೋ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಉಲ್ಟಾಗಿಂತಿ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾ ಬಹುತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೂ ಔರ್ ಗತ 35 ವರ್ಷೋ ಸೇ ಬೀದರ್ ಮೇ ಸಮಾಜ ಕೆ ಹಿತ್ ಮೇ ಮೈ ಕಾಮ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂ। ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನ್ ಕೆ ಬಹುತ್ ಸೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೋ ಮೈನೆ ಅಚ್ಛೆ ಸೇ ನಿಭಾಯಾ ಹೈ। ಮೈ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ಮಂಚ್ ಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಯೋಜಕ ರಹಾ, ಬಜರಂಗ ದಲ್ ಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಯೋಜಕ ರಹಾ। बाद में हमारे वरिष्ठों ने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्य करना है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तर का जवाबदारी लेकर के पूरे ज़िले में पार्टी को संगठन करने का काम किया और पार्टी ने मुझे विभाग स्तर का जवाबदारी दिया। विभाग स्तर की जवाबदारी देने के बाद हमारे जो विभाग के 4 जिले आते हैं, बीदर, गुलबर्गा रूरल और यादगिर, मैंने रात दिन पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया है। सबसे पहला अगर आद्यता मैंने किसी को दिया है तो मेरे पार्टी को मैंने दिया है, तो पार्टी ने मुझे आज मेरी लंबी समय की सेवा को देख करके उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता को अगर हम चुनाव खड़ा करेंगे तो जनता के बीच में भी रहेगा, लोगों के बीच में भी रहेगा, लोगों के काम भी करेगा, लोगों के सुख दुख में भी भाग लेगा और संगठन को भी मजबूत करेगा, पार्टी को भी मजबूत करेगा। इस तरह से हमारे पार्टी के वरिष्ठों ने यह मेरे ऊपर विश्वास रख करके आज भारतीय जनता पार्टी का अभ्यर्थी मुझे बनाया है। मैं सबसे पहले मैं अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को और राज्य के कोर कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ।